इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। लॉकडाउन के बाद व्यवस्था को पटरी पर लाने की सरकार की पहल हो चुकी है। अनलॉक 5 लागू होने के बाद अब स्कूल, कॉलेज, कोचिंग खोलने के बारे में भी निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत निर्णय लिया जा रहा है। अब 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाने हैं। बोर्ड एग्जाम देखते हुए सबसे पहले 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। प्रैक्टिकल समेत बाकी बचे कोर्स को पूरा कराया जाएगा। कोरोना काल के चलते मार्च से ही स्कूल बंद है। नए सत्र में अभी तक एक भी दिन बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। ऑनलाइन जरूर पढ़ाई हुई, लेकिन वह कितनी कारगर हुई यह जग जाहिर है। अधिकांश स्कूलों ने फीस तक ही ऑनलाइन क्लास का डंडा पेरेंट्स पर चलाए रखा। सरकार जरूर स्कूल खोलने पर विचार कर रही है, लेकिन अभिभावक इसके लिए जल्दी से तैयार होने वाले नजर नहीं आ रहे हैं। उनका साफ मत है कि कागजों पर कोरोना प्रोटोकॉल और बात है, जबकि हकीकत कुछ और। सरकार की इस पहल पर फिलहाल केंद्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालय जैसे देश के बड़े सरकारी संगठनों ने तैयारी तेज कर दी है। अनलॉक 4 में मिले दिशा निर्देशों के बाद इन संगठनों ने 21 सितंबर से बच्चों को स्कूल बुलाने की योजना जरूर बनाई थी, लेकिन अभिभावकों की असहमति के कारण यह योजना परवान नहीं चढ़ पाई थी। जहां तक CBSE की बात है तो वह शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया है। अभी तक जो तैयारी चल रही है उसके मुताबिक CBSE बोर्ड परीक्षाएं अगले साल फरवरी व मार्च में ही हर साल की तरह ही होंगे। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।